नर नारी देखी जान के ही भये दुखारी। राजा जनक जी ने क्रोध में होने के कारण कुछ अनुचित शब्दों का प्रयोग किया, जो समाज में बैठे लक्ष्मण जी को राजा जनक के वाक अच्छे नहीं लगे। लक्ष्मण जी की भौहें टेढ़ी पड़ गई, नेत्र लाल हो गए और होंठ कुछ कहने के लिए फरक उठे। माखे लखली कुटिल भई भोहे रद पट फर कतो नयन रिसोहे। कही न सकत रघुबीर डर लगे बचन जनुपान नाई राम पद कमल सिरो बोले गिरा प्रमाण। मैथिल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले वीरों, सुना आप लोगों ने राजा जनक की घोषणा को। समाज के मध्य में राजा जनक ने यह जान लिया, अब जनिको माखय भटमानी वीर विहीन मही में जानी। इस संसार में इस वसुंधरा में अब कोई वीर शेष नहीं रहा, ऐसी घोषणा समाज के मध्य में राजा जनक ने कर दी। आप हैं भाई रोहित सबिता परहारा। विधाता ने सीता का विवाह नहीं लिखा, यह बात राजा जनक ने जान लिया कि विधाता ने सीता का विवाह नहीं लिखा। अरे महाराज, सीता का विवाह तो स्वयं माता पार्वती ने पहले ही निश्चित कर दिया था। माता पार्वती ने स्वयं सीता को यह आशीर्वाद दिया, मन जाहि राचू मिलहि सोवर सहज सुंदर सांवरो, जो तुम्हारे मन में वर होगा वो तुमको प्राप्त हो जाएगा। तो अगर माता पार्वती ने कह दिया है तो फिर विधाता लिखे या न लिखे वह कार्य निश्चित होगा, क्योंकि यदि वीर न होंगे इस अवस्था में तो धरती माँ का क्या होगा, फिर परदेशी राजा राज करेंगे तो भारत माँ का क्या होगा। यदि सारी सरिता सारी नदियाँ पापों को धो दे तो गंगा माँ का क्या होगा, फिर परदेशी राजा राज करेंगे तो फिर भारत माँ का क्या होगा। मेरे सामने मेरे भैया बैठे हैं, बोलने का तो अधिकारी नहीं, लेकिन एक योगी के मुख से वीर भोग्या वसुंधरा का अपमान हम रघुवंशियों के रहते हुए असंभव है। बैठे रात समाज में जस जस कहत विदेह तस तस राघव दास की ये फरकत सिगरी देह। ये शिष्टता कहती है मौन रहो, पर कैसे चुप रह सकता हूँ, ये अपमानित शब्दों से किया कलंकृत कैसे मैं सह सकता हूँ। इन योगी के प्रत्येक शब्द चुपते हृदय में मेरे है, ये फड़फड़ा रहे असराज फड़क उठे दंड मेरे। आप बैठे मंच पर हे नाथ मुस्कुराते रहे, ये वीर भूभी वीर बिन मिथलेश ये बतलाते रहे। सीता स्वयंवर की कथा सुनी ये विश्व में घोषित करी, वीरता की घोषणा चहुराज मंडल में भरी। ये लेकर घमू चतुरंगड़ी ये राजा इकट्ठे हो गए, क्रांति का विप्लव उठा संघर्ष में सटक गए। कहते योगी क्रांति का ये केंद्र है, संघर्ष विप्लव अजीव ये नरेंद्र है। आप बैठे मंच पर हे नाथ कौतुक अनोखा देखिए, ये गेंद सम धनुआ पटक कर टुकड़े अनोखो देखिए। ये धरणी में धनुआ पटक कर कच्चे घड़े सम फोड़ दूं, फिर गहन गिर गंतर हिमालय सिंधु की गत रोक दूं। तोरो छत्र गदन चिम तौ प्रताप बल्लाथ, जौन करो प्रपस्पथ पुण्य धरो धन भात, पुण्य धरो धन भात, पुण्य धरो धन भात। लक्ष्मण जी ने क्रोध किया, ये धरती डगमगा गई। लखन सकोप बचन जी बोले डगमगानी मही दिग्गज डोले। अब राम जी ने देखा कि भैया लक्ष्मण इतना क्रोध कर रहे हैं, ये धरती कांप रही है। राम जी ने बड़े ही प्रेम से अपने छोटे भाई को समझाया, से नहीं रघुपति लखन निवारे प्रेम समेत निकट बैठा रे। वीरों का अपमान एक वीर कैसे सहन कर सकता है,
लक्ष्मण मेरा वीर है, लेकिन लक्ष्मण विचार करो, श्री जनक जी इस समय दुखित हैं, मिथिला की ज्ञानी समाज हमारे सामने बैठी है, पूज्य गुरुदेव जी भी उपस्थित होने वाले हैं, इनके सामने ऐसी वाणी का प्रयोग अनुचित है। लक्ष्मण, जहां तुम्हें कार्य धूप से लेना चाहिए वहां तुम कार्य अग्नि से ले रहे हो। धूप का प्रभाव है, धूप वस्त्र को सुखाती है, अग्नि का प्रभाव है, अग्नि वस्त्र को जलाती है, इसलिए शांत रहो लक्ष्मण। शंका का कोई उपचार नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, शब्द से तीखा बाण नहीं और मौन से सुलभ साधन नहीं। लक्ष्मण, अहो ना क्या रंग दिखा है, अहो भ्रात दुख धैर्य धरो, विधि ना क्या रंग दिखाता है, क्योंकि सृष्टि का नियम है, परिवर्तनशील जगत है लक्ष्मण। कभी फूल डाली पर लगते, कभी पतझड़ कहलाता है। लक्ष्मण, ऐसे वचनों का प्रयोग ना करो, शांत हो जाओ। बोलो वचन ऐसे, बोलो वचन ऐसे ना मेरे भैया, भैया ओ भैया, ओ मेरे भैया, भैया ओ भैया, ओ मेरे भैया। भैया, ओ मेरे भैया।
भैया, ओ मोर भैया, ओ बोलो बचन में से, बोलो बचन में से, बोलो बचन में से, ना मेरे भैया, भैया ओ भैया, ओ मेरे भैया। हमारा ध्यान सहसा पूज्य गुरुदेव जी की तरफ गया, तो मैं देख रहा हूं, हो बैठे गुरु जी, समय देखते हैं, बैठे गुरु जी, बैठे बैठे, बैठे गुरु जी, बैठे बैठे गुरु जी, बैठे गुरु जी, समय देखते हैं, बैठे गुरु जी, पूरी समाज दुखित है। इस समाज में बाबा विश्वामित्र से बड़ा कोई अधिकारी यहां पर नहीं है, और यही कारण है कि मिथिला समाज का ध्यान बाबा विश्वामित्र जी की ओर है। चूंकि वैज्ञानिक हैं और समय के जानकार हैं, बाबा ने जाना कि अब समय सुबह है, विश्वामित्र समय सुबह जानी, भोले अति स्नेह में बानी। समय से पूर्व ना तो कार्य होते हैं और ना ही समय से पूर्व उसका परिणाम मिलता है। जिस समय रावण का आगमन हुआ मिथिला में, तो रावण ने अपनी विचारधारा के अनुसार ये सोचा कि धनुष मेरे जाने के बाद भी तोड़ा जा सकता है। तो वो यहां पर वो अपने ऐसे दो कण छोड़ करके गया जो धनुष की अड़नी और सुया पर बैठे थे। उन्हें देख करके अभी तक मैंने उस कार्य को प्रारंभ नहीं किया था, लेकिन राजा जनक के संताप को सुनकर के वो इतने भयभीत हो गए कि अब धनुष खंडन होगा ही नहीं, और वो अपना स्थान छोड़कर के चले गए। ये समय बड़ा ही शुभ है, ऐसे समय में ही धनुष का खंडन होना चाहिए। हे राम, लखन की वीर वाणी को तुम्हें जाकर निभाना है, कपाली के कठिन धन को तुम्हें जाकर चढ़ाना है। जाओ राम, राम उठो राम, भंजो भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। राजा जनक के परिताप का हरण करो, भोलेनाथ के पावन अजगों का खंडन करो। राम आगे बढ़ो, जाओ। लखन लख्यू रघुबल से बड़ी, ताक्यो हरि को दंड,
पुलक गात बोले बचन चरण चाप ब्रह्मांड। जिस कुंजरहु कमठ ही कोला धरो धरनी धर धीर न डोला, श्री राम चाहई शंकर धंतोरा, हो सजग सुनि आय समुरा, दसो मोती साओ दिक्कच वराह तेज कच्छप इत्यादि सभी सावधान हो जाए, क्योंकि मेरे भैया भगवान शंकर के पावन पिनाक का खंडन करने के लिए जा रहे हैं। इसलिए लक्ष्मण का आदेश सभी के लिए है, सावधान सावधान सावधान। सभी लोग सावधान ही हैं, सब लोग जाग रहे हैं, इसके लिए साधुवाद है। लंका वाले सब चले गए, ये सब हाँ रसिक लोग हैं, आइए चलें। वो समय आपके समक्ष में है, जिस समय की प्रतीक्षा में आप लोग बहुत देर से बैठे हुए हैं। श्री राम जी धनुष का खंडन करने जा रहे हैं, इस समय को देखने से पुण्य मिलते हैं। देखी बिपुले विकल पैदे ही, अब लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण रामा, भजो भजो सियहु से पिहातो कल्प सब देही, लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण रामा, भजो भजो सियहु त्रिषित पानी बिनो जो तन त्यागा, मुए करई का सुधा तरागा, लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण रामा, भजो भजो सियहु सबे कृषि सुखाने, समय चूके पुनि का पछताने, लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण रामा, भजो भजो सियहु अशे जिय जानी जानी की देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेखी, लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण रामा, भजो भजो सियहु। गुरु ही प्रणाम मन ही मन की ना अतिला धो उठाए धनु लीना, लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम, जब क्यों दामिन जब जब लयबू फुल जब धनु मंडल सब भयबू, लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम, वेद जहाब है जब काढ़े कहू न लखा देख सब ढाढ़े, लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम, नहीं छन राम मत धनु तोरा भरे भुवन धुन थोड़ी कठोरा, लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम, भजो भजो सियहु। प्रभु दउ चाप खंड मही डारे, देखी लोग सब भय सुखारे। ऐसा समय देख करके जितने लोग दुखित हो गए थे, अब वो सब लोग प्रसन्न हो गए, क्योंकि राम जी ने धनुष को इतनी फुर्ती से उठाया लिया चढ़ाया तोड़ा, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े काहू न लखा देख सब ठाढ़े, और लोगों ने क्या देखा, प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देखी लोग सब भय सुखारे। अब जो राजा जनक जी के पुरोहित हैं सतानंद जी, उन्होंने आदेश दिया तो सखियां सीता जी को लेकर के राम जी की ओर गई। श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहिरा बहु जय माला,
चरण चलते चल श्री रघुबर ऐसे पहुँचे सुई मुई के बल सबसे सिमटे सिमटे सबसे सिमटे सिमटे श्री राम चंद्र पुत्र सीता माता अद्भुत रूप चतुर सखी लखी कहा बुझाई पहिरा बहु जे माल सुहाई। हे महाप्रभु नहीं झुकना तो पड़ेगा आप। अरे तुम चतुर हो कहने की जरूरत थोड़ा है झुका दे। आपने धनुष का खंडन कर दिया अब आप अच्छा सखी अभी मैया को वहीं रहने दे तुम राम जी को आगे तो लाओ थोड़ा आगे तो लाओ और थोड़ा आगे और आगे जाइए सरकार। अब निवेदन करो क्या कर रही हो। मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ आपने धनुष का खंडन कर दिया अब दोनों हाथ जोड़ करके श्री किशोरी जी के आगे झुक जाइए और डलवा लीजिए जयमाल। आप सत्य बताइए झुकने की आवश्यकता झुकना तो पड़ेगा क्यों नहीं ये देखिए एक मर्यादा होती है। हाँ चूंकि अब ऐसा नियम है एक बार तो झुकना पड़ेगा ना। झुकना पड़ेगा आप चाहो तो जितने बार झुका लो तुमने तो चाहे लाखों करो कमाल चाहे लाखों करो कमाल माल न डाले जब तक न झुकेंगे आप माल न डाले जब तक न झुकेंगे आप न डाले कहला को करो कमाल ओ देखिए जितने लोग बचे हैं एक बार श्रद्धा से तालियां बजा दीजिए श्रद्धा से जबरदस्ती नहीं बोलिए सिया पर रामचंद्र की जय हो। अब जितनों ने ताली बजाई हो सब आरती करने के लिए कर रही आरती पुर नर नारी तीन छाबरी विद पिसादी। देखिए भाई अब जिन्होंने जिन माता बहनों ने भाइयों ने सबने ताली बजाई अब सब भगवान की आरती करने के लिए आ गए आ जाइए। देखिए मानस में पैसा लेकर के नया रामायण में ये प्रथम ऐसी झांकी है प्रथम ऐसी आरती है जहां पर श्री राम जानकी जी एक साथ आरती हो रही है और यहीं से भगवान का नाम जुड़ गया। देखिए कमेटी की ओर से भाई निछावरी जरूर दे जा सखियों को भी। हाँ रविंद्र भाई जी ऐसा ना होगा दो चार लोग आरती में जरूर आ जाए। देखिए माता बहनों की अब माता बहनों तो जाने लगी। देखिए भगवान की मंगल आरती है आप लोग करिए अपने हाथों से बाद में
पैसे की नहीं है, पैसा लेकर के नहीं आइए। हाँ भाई, लेकिन मंच तक आइए। देखिए बड़ा ही सुंदर समय है, प्रातः काल की वेला है और राम जानकी सरकार विराजमान है, तो आप लोग आए बढ़िया ब्रह्म मुहूर्त में सरकार की आरती करें। ये जनकपुर है, बड़ा सौभाग्य प्राप्त हो रहा है आप लोगों को, तो इस सुंदर समय का लाभ उठाएं, आ जाए जितने लोग आ सके। और ये 30 मुद्राओं से प्रियंका भारती कुटुंबपुर भगवान की आरती में दे रही है। आए और लोग आ जाए, 2-4 मिनट का समय है, प्रातः काल की वेला है, बड़ा सुंदर समय है। और देखिए हमारी श्री रामचरितमानस सम्मेलन समिति के जो अध्यक्ष हैं आदरणीय श्री राम कुमार जी मास्टर साहब, बहुत अच्छे व्यक्तित्व हैं और विद्वानों कलाकारों के प्रति बड़े ही सरल भाव से पुत्रवत हमारे आदरणीय श्री मास्टर साहब की ओर से पुत्रवत व्यवहार रहता है, इसके लिए हृदय से साधुवाद है। भगवान की मंगलमय आरती और सखियों को निछावरी प्रदान की गई। श्री राम कुमार जी मास्टर साहब समिति अध्यक्ष और साथ में अब हमारे राजपूत टेंट हाउस के संचालक श्री रविंद्र राजपूत जी, आपकी ओर से भी श्री राम जानकी जी की मंगलमय आरती। सखियों निछावरी लेते जाना, अशोक विश्वकर्मा जी के द्वारा राम जानकी सरकार की आरती उतारी गई है और सखियों को निछावर भी दे रहे हैं। देखिए हमारी माता बहनों से भाइयों से निवेदन है कि आप लोग भगवान की मंगल आरती श्रद्धा भाव से करिए। बात पैसे की नहीं है, आप पैसा लेकर के नहीं आइए, केवल अपने भाव बना करके शुद्धा बना करके आप लोग आइए भगवान की मंगल आरती करने के लिए। सुबह की मुहूर्त में आप भगवान श्री राम
सीताराम के दर्शन कर रहे हैं, आइए आरती कीजिए, क्योंकि सुबह की ये बेला बड़ी शुभ मुहूर्त होती है और पैसे की कोई बात नहीं होती है। देखो परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया, हम परमात्मा को क्या दे सकते हैं। आइए आप श्रद्धा भाव से आरती कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो, सहनाइयों की मुबारक गरिया गई है, साजी सुर की जोड़े में चांद सी दुल्हन फलक सी जमीन पर परी
मुश्किल दामन को छुपाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है।